हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं सरबजीत, आप लोगों को सरबजीत मैथ्स चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बिहार दरोगा से रिलेटेड उसके तैयारी का जो स्ट्रेटजी होगा, जो प्लान होगा, उस पर चर्चा करेंगे। और मेरे भाई, देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। बिहार दरोगा, सबसे पहले हम लोग बुक लिस्ट पे बात करेंगे। और हम ज़्यादा बुक नहीं लिखाएंगे बाबू, जो बुक लिखा रहे हैं उसी को आप रट्टा मार लो तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहला बुक है बाबू लूसेंट सामान्य ज्ञान, लूसेंट सामान्य ज्ञान। दूसरा है प्रतियोगिता दर्पण। शॉर्टकट में इसको पीडी बोलते हैं। ये मंथली मैगजीन है बाबू, मंथली मैगजीन है। इसके साथ साथ आप प्रतियोगिता दर्पण, वन मंथ में वन बुक आते हैं, तो आप प्रतियोगिता दर्पण लेकर के फर्स्ट 10 डेज जो है आप उसको एक बार एकदम धरल्ले से एकदम ध्यान लगा के पढ़ लो। बाकी धीरे धीरे करके उसको रिवाइज करो, 2-3 दिन कर करके रिवाइज करिए पूरा। उसमें से भी शॉर्ट नोट कुछ बनता है। जैसे मान के चलिए, पहले आप बुक लिस्ट देख लीजिए, फिर बारी बारी से बात करेंगे। तो आप प्रतियोगिता दर्पण का बुक ले लीजिए, मंथली मैगजीन वो ले लीजिए। और एक जागरण जोश ऐप है, जागरण जोश है ना, जागरण जोश। प्ले स्टोर में जा कर के आप जागरण जोश ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, जागरण जोश ऐप। वो डेली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट घटना घटता है ना, वो आते रहता है। वो आप मोबाइल में यदि आप ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके मोबाइल में जो इम्पॉर्टेंट घटना है वो नोटिफिकेशन के रूप में भी आता है। और जो घटना का नोटिफिकेशन आ गया बाबू, वो एकदम कहीं रजिस्टर में लाल कलम चला करके लिख दीजिए, है ना, एकदम हाईलाइट करके लिख लीजिए। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में छपना होता है उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो हम कहेंगे कि भैया जागरण जोश ऐप जो है आप इंस्टॉल करिए लीजिए, जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं। मतलब ये छोटा जो सबसे कम पढ़ के जो सिलेक्शन लेने की बात है, बुक लिस्ट तो बहुत सारा भैया, एक से एक मार्केट में बुक अवेलेबल है, एक से एक टीचर अवेलेबल है। लेकिन हम जो बता रहे हैं, एकदम कम पढ़ करके सिलेक्शन लेना है, यदि माने जितना कम से कम हो सके कम पढ़ के यदि आपको सिलेक्शन लेना है, तो भाई मेरा बात याद रखना, क्योंकि हमको एक्सपीरियंस है एग्ज़ाम देने का, तैयारी अच्छा से नहीं करने का एक्सपीरियंस है, लेकिन एग्ज़ाम निकालने का एक्सपीरियंस है। इसलिए बता रहे हैं बाबू कि आप जागरण जोश कर लो, करेंट अफेयर जो अच्छा क्वेश्चन होगा जो सब बनाएगा वो आप बना दोगे कम पढ़ के। उसके लिए जो बहुत कुछ पढ़ रहा है ना वो आप बना लोगे। हाँ, साथ में प्रतियोगिता दर्पण यदि कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, तब तो क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, ठीक है, छूटेगा ही नहीं। अब कम का ही बात बता रहे हैं, सबसे कम में क्या कर सकते हो आप। ये करेंट अफेयर के लिए हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दो चीज़ आप करते रहो। लेकिन हाँ, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, डेली बेसिस पे आप करते रहो तो बहुत अच्छा तैयारी हो जाता है। लूसेंट हो गया सामान्य ज्ञान, मैथ 5 क्वेश्चन आता है, तो 5 क्वेश्चन के लिए आप कोई किताब हम प्रेफर नहीं करेंगे। जो लोग तैयारी सच में कर रहे होंगे तो उनका मैथ का कम से कम बेसिक अच्छा होगा, और बेसिक अच्छा होगा तो वो आसानी से कर सकते हैं। नहीं तो हम इसी चैनल पे मैथ का क्लास करवा रहे हैं टॉपिक वाइज, वो भी आप कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा 10-15 मिनट 20 मिनट टाइम दे करके कुछ सीख सकते हैं। तो 5 क्वेश्चन के लिए हम समझते हैं कोई स्पेशल बुक का कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद तैयारी कर रहे होंगे तो लूसेंट से आप कर लोगे। तीसरा एक बुक का नाम हम लिखा रहे हैं, ठीक है, ये है महेश वर्णवाल की बुक, महेश वर्णवाल, ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं महेश बाबू, महेश वर्णवाल। आप ये ले लो, या फिर जिनको राजीव अहीर की बुक समझ आती है, राजीव अहीर, ठीक है,
जिनको राजीव अहिर की बुक समझ आती है, ये मॉडर्न हिस्ट्री के लिए है बाबू, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, चूँकि इतिहास बिहार के एग्ज़ाम के लिए खास करके इतिहास एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, उसमें यदि आप स्कोर कर लेते हो तो आपके लिए पॉजिटिव है। तो कम पढ़ करके, कम पढ़ना है तब तो लूसेंट का इतिहास हो गया, लेकिन उसमें काम नहीं चलेगा बाबू। ईमानदारी से हम बता देते हैं कि लूसेंट आप पूरा पढ़ भी लेते हैं इतिहास तो काम नहीं चलेगा, कमी रह जाएगा। उस कमी का पूरा आप महेश वर्णवाल की बुक पढ़ करके कर सकते हैं। महेश वर्णवाल तीनों सेक्शन का आता है, आपका प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, आधुनिक भारत है। तो आप ये तीनों सेक्शन यहाँ से कर लेंगे तो हम समझते हैं आपका 90% हिस्ट्री कवर हो जाता है। यदि आप मॉडर्न हिस्ट्री सिर्फ राजीव अहिर से पढ़ लेते हैं तो आपका 100% इतिहास कवर हो गया, फिर आपको कोई टेंशन ही नहीं है। क्योंकि देखिए, महेश वर्णवाल की जो पुस्तक है उसमें तीनों सेक्शन है, तो जो प्राचीन है, मध्यकालीन है, आप कवर कर लेंगे इस किताब से, लेकिन मॉडर्न में कुछ अटकने का चांस रहेगा। यदि डीप में घुस जाएगा तो थोड़ा सा डाउट लगता है कि हमको एक दो क्वेश्चन छूटने का डर है, लेकिन यदि आप राजीव अहिर कर लिए ना तो वो भी दो क्वेश्चन छूटने का डर ख़त्म हो जाएगा। तो हम समझते हैं इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने का ज़रूरतें नहीं है, ठीक है। इससे ज़्यादा यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं सच में तो बस इतना ही बुक पढ़ना है, लूसेंट को एकदम रट्टा मार जाइए। और हाँ, ये देखिए, लूसेंट सामान्य ज्ञान तो है, इसका एक ऑब्जेक्टिव करके आता है, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव लूसेंट, ये प्रैक्टिस के लिए आप ले लीजिए। लूसेंट सामान्य ज्ञान से आप सब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, चैप्टर वाइज है, देखिए ऑब्जेक्टिव भी आता है तो चैप्टर वाइज आप ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, सोना पे सुहागा है। आप ये कर लेते हैं तब भी क्वेश्चन बनेगा, लेकिन ये कर लेते हैं तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये कर लीजिएगा क्वेश्चन बनेगा, ये कर लीजिएगा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और एग्ज़ाम निकालने का मतलब है क्वेश्चन गलत नहीं करना। तो बस यही है बुक लिस्ट, ठीक है, यही है बुक लिस्ट, और इसी से आप बिहार दरोगा 100% क्वालिफाई कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, एक आत्मविश्वास का भी ज़रूरत है, यदि आपके अंदर आत्मविश्वास है तब इतना पढ़ के निकलेगा, और नहीं तो आप बड़ा बड़ा बुक भी पढ़ लीजिएगा तब भी नहीं निकलेगा। हमारा थ्योरी है बाबू, कम पर हो, यानी बुक जो है कम पर हो, एक ही किताब पर हो, लेकिन इतना बार पढ़ लो, इतना बार पढ़ लो कि उसका मटेरियल जो है आपके दिमाग में आ जाए, ठीक है। बस यही थेसिस होना चाहिए तैयारी करने का, आप एग्ज़ाम निकाल लेंगे। और इससे ज़्यादा यदि बुक लिस्ट चाहिए, पहले आप ये करके देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, और उसमें यदि 80% यानी 80+ नहीं आता है तो फिर हमको कमेंट करिए, है ना, कि सर आपने जो बताया उसे कवर नहीं हो पा रहा है, तो फिर हम कहेंगे, ठीक है। बाकी देखते हैं, और हाँ, इस चैनल को यदि अच्छा लगता है तो थोड़ा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब बाकी धीरे धीरे थोड़ा पढ़ने का तरीका जो है, कुछ एक निमोनिक्स होता है ना, निमोनिक्स मतलब किसी भी चीज़ को पिक्चर में करके याद करना, किसी भी चीज़ को राइमिंग वर्ड में बना करके याद करना, तो उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो भी हम लाने वाले हैं, ताकि आप लोगों को याद करने में परेशान नहीं हो, कोई भी चीज़ आप आसानी से याद कर सकें, ठीक है भाई। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।